हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर जो है मास्टर्स करने के बारे में, और टीस की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। टीस के अंदर जो है ये कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कराई जाती है, इसका कट ऑफ क्या है, इसका प्लेसमेंट कैसा है। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक आपको चीज़ बता दूँ कि भाई हम जो है ये वीडियो सीरीज़ एक चलाने वाले हैं, जिसके अंदर यहाँ पे टीस के जितने भी कोर्सेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी कैंपसेस हैं, मुंबई में है दोस्तों, हैदराबाद में है, तुलजापुर में है, और गुवाहाटी के सभी कैंपस के अंदर जो जो भी कोर्सेज़ जो है दोस्तों चलते हैं, सभी के हम क्या बोलते हैं कि वीडियोस बनाने वाले हैं कि भाई वहाँ पे वो कोर्स के अंदर क्या पढ़ाई होती है, वो कोर्स का कट ऑफ कितना है, उसके बाद में प्लेसमेंट क्या होता है, और 5 साल 10 साल के बाद आपका करियर पाथ क्या होगा दोस्तों। और साथ ही साथ अभी तो मैं अपने अनुभव से और मेरे एनालिसिस से जो है आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर के अंदर जो है आपको जो है इस इनके स्टूडेंट्स जो है अभी करंट स्टूडेंट्स, रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट्स हैं, और 4-5 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में जिन्होंने ले लिया है, उनके भी हम इंटरव्यूज़ जो है उसकी वीडियो सीरीज़ जो है वो भी हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो है बात करने वाले हैं क्या बोलते हैं कि भाई डेवलपमेंट स्टडीज़। तो दोस्तों डेवलपमेंट स्टडीज़ जो है ना किस के अंडर में आता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, उसके अंदर दो कोर्सेज है, तो ये मुंबई कैंपस के अंदर है, और दूसरा जो है आपको मिल जाता है यहाँ पे हैदराबाद कैंपस के अंदर, और वो कहाँ पे है, इसके अंडर में आता है स्कूल ऑफ लाइवलीहुड एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। दोस्तों दोनों के अंदर जो है ना आप समझ लीजिए कि प्लेसमेंट बहुत ही सही वाला होता है, बट IIT IIM के कंपेयर में नहीं होता है, बट ओवरऑल जो है ना आज के समय के अनुसार जो है बेस्ट प्लेसमेंट है, और इंडिया में और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि डेवलपमेंट स्टडीज़ जो कोर्स है वो बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, और IIT के अलावा भी जो है इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में करवाया जाता है। उसमें यहाँ पर टॉप में जो है TIS है, उसके बाद अजीम प्रेम जी के अंदर भी होता है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ त्रिवेंद्रमपुरम के अंदर, केरला के अंदर भी ये होता है दोस्तों। उसके अलावा IIT मद्रास के अंदर होता है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में होता है, मद्रास इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर होता है, डॉक्टरल प्रोग्राम है वहाँ पे, जामिया मालिया इस्लामाबाद के अंदर MPhil भी होता है। और यह डेवलपमेंट स्टडीज़ जो है आप जर्मनी में जाके भी उसकी पढ़ाई कर सकते हो, और बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स है, सॉरी और भी कंट्रीज़ है जिसके अंदर ये कोर्स होता है। तो मतलब ग्लोबली ये पॉपुलर कोर्स है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत सारे लोग जो है इसमें पढ़ाई भी करते हैं दोस्तों। उसके अलावा इसका कट ऑफ जो हैदराबाद के अगर अंदर आप जाना चाहते हैं, यहाँ पे इसका कट ऑफ है 68.87 जनरल कैटेगरी के अंदर, और मुंबई में अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर 72.47 इसका कट ऑफ है दोस्तों। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुझे टीस में से करने का एक ही फ़ायदा देखने को मिलता है कि फ़ीस जो है इनकी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कि डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे रिसर्च ओरिएंटेड जो है आपको यहाँ पे टर्म्स मिल जाएंगे, पॉलिसी डेवलपमेंट के रिलेटेड आपको जो है टर्म्स या तो कोर्सेज सब्जेक्ट्स जो है आपको मिल जाएंगे। और इसकी फ़ीस की बात करें बहुत ही सस्ता है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली दो से ढाई लाख में जो है आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, 2 साल का मास्टर प्रोग्राम हो जाएगा। इतना सस्ता तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और इसका प्लेसमेंट जो है एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख है दोस्तों, जो कि यार काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है उसको भी ये करना चाहिए, उनको जो है अपना करियर पाथ जो है एक बार चेंज करने के लिए सोचना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने भी जो है लिखा हुआ है कि भाई इनका फ्रेंड है, उसने जो है डेवलपमेंट स्टडीज़ किया हुआ है TIS से, और उनका जो है सैलरी कुछ 38,000 पर मंथ से शुरू हुआ था, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर हम जो है अभी अलग अलग प्लेसमेंट ब्रोशर जो है देखते हैं, और उनके स्टूडेंट की जो है प्रोफाइल्स भी देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या स्किल्स या तो एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका क्या था, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है ना इनके टॉप बैचर्स है, जो कि आज बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेस पे अलग अलग बेसिकली एल्यूमिनाई है इनके, जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेस पे आज क्या बोलते हैं कि उनकी पोजिशन है दोस्तों। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे उनकी फैकल्टी की थोड़ी बहुत डिटेलिंग है, कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमने अभी रिसेंटली देखा था, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। फिर यहाँ पे टाइमलाइन है पूरा कि भाई 2 साल में क्या क्या चीज़ें जो है करवाई जाती है, तो इससे भी थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हैं कि भाई ये कोर्स आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। और यह TIS में यार एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है कि 3 कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कौन से कोर्स में, ये मैं वीडियो सीरीज इसीलिए निकाल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या तो उसी तरीके के जो भी कोर्सेज़ कर किए हुए बच्चे हो, तो उनको सोशल स्टडीज़ के अंदर
कौन से कोर्स में जाना चाहिए, क्योंकि यार टीस के अंदर तो यार 500 कोर्स है, तो आप कौन से कोर्स को सिलेक्ट करोगे वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग जो है प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं, कुछ लोग जो है कट ऑफ जो आता है उनका उसके हिसाब से जो है कुछ आइडिया लगाते हैं और मतलब उस हिसाब से जो है कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। या आप एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लीजिए कि भाई ज़्यादातर बच्चे जो है ना उनका एजुकेशनल मतलब 40% का एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है जिन्होंने ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में बैचलर्स में पढ़ाई की है, उसके बाद जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बच्चे भी है, साइंस इंजीनियरिंग के 25% ही है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये और भी ज़्यादा जो है इसमें साइंस वाले भी बच्चे आएँ। और जेंडर डाइवर्सिटी अगर देखें तो यहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ के कंपेयर में। तो स्टूडेंट्स प्रोफाइल के अंदर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो चलिए जो है बारी बारी करके स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि भाई ये बच्चे जो है उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो है पढ़ाई की है सोशियोलॉजी की, और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है कि भाई डिसर्टेशन टॉपिक का जो है यहाँ पे क्या है, इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या है, उसके अलावा जो है इंटर्नशिप एंड वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस जो है इन्होंने कहाँ से लिया, स्किल्स एंड स्ट्रेंथ इनकी क्या है। तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च ओरिएंटेड जो है ये कोर्स है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ऑप्शनल पेपर ऑप्टेड फॉर, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके अलावा इनका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग है, और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल्स एंड स्ट्रेंथ जो है पाइथन है, एमएस ऑफिस है, तो ये इंजीनियरिंग का पढ़ाई की है, तो मतलब कुछ जॉब भी किया होगा दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ न्यू मेट्रो रेल, डेजर्टेशन टॉपिक, ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको जो है प्लेसमेंट ब्रोशर को आप डिटेल में स्टडी करें, जिससे कि भाई आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि भाई ये कोर्स करके आप कहाँ पे जाओगे, क्या करोगे। फिर यहाँ पे इनका आप देख लीजिए डिसर्टेशन टॉपिक क्या है, ये दोनों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या कहाँ पे इंटर्नशिप किया है। ये एक्चुअल में जो है ना पास आउट हो गए, तो आई थिंक 2-3 साल का अभी सभी को जो है एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, तो इनका भी आप स्टडी कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे इनका भी आप स्टडी कर लीजिए। फिर यहाँ पे और भी प्रोफाइल्स आपको देखने को मिल जाती है, तो सबका जो है आप देख लीजिए कि भाई डिसर्टेशन टॉपिक जो है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इंटर्नशिप कहाँ पे की है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें जो है आप एक बार स्टडी कर लीजिए, बहुत आपको जो है काम लगेगा इनका। ये सभी जो है अभी 2 साल पहले जो है पास आउट हो गए, तो अभी अभी तक इन्होंने जो है क्या 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 काम किया है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। यहाँ पे आप जो है इनका पढ़ाई के लास्ट सेमेस्टर तक जो है इन्होंने क्या क्या किया है वो सब यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, बहुत यूज़फुल है दोस्तों। इसको शांति से पढ़िएगा, भले वीडियो जो है थोड़ा सा आपको लंबा लगे, बट इसको स्टडी करिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कौन कौन से रिक्रूटर्स जो है आते हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ प्लेसमेंट के अंदर जो है डेवलपमेंट क्या बोलते हैं डेवलपमेंट स्टडीज़ के जो है बच्चे उनको क्या मतलब सिलेक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है उसके बाद हम देखते हैं टिस हैदराबाद, तो उसके अंदर भी जो है यहाँ पे डेवलपमेंट स्टडीज़ जो है कोर्स चलता है, वो उनका भी हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे कोर्स का एक ओवरव्यू है, चारों सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, जो कि हमने पहले भी देख लिया है। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई इंजीनियरिंग के 15% है, सोशल साइंस वाले ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे, और 21 से 25 साल के बीच में एज है, वर्क एक्सपीरियंस वाले जो है कम है, फ्रेशर ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, मेल जो है कम है। ओके, यहाँ पे जो है हम बारी बारी करके देखते हैं अभी बच्चे जो है इनका, यहाँ पे एक्चुअल में ये अलग कोर्स आ गया है। चलिए थोड़ा सा भी हम आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे इनके जो है पास्ट रिक्रूटर जो है, ऑलराइट, तो ये जो है इनका 2020 का बैच है अभी जो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इंटर्नशिप जो है कहाँ पे की है, डिसर्टेशन टॉपिक का जो है क्या था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा विजुलाइजेशन, डेटा रिसर्च, सर्वे, पॉलिसी मेकिंग, और यही सब चीज़ें जो है इनका जो है काम रहता है, फ्यूचर में भी यही सब काम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी भी आप प्रोफाइल को शांति से स्टडी कर लीजिए, बहुत ही यूज़फुल होगा दोस्तों। ये सभी जो है ना इनका हम फ्यूचर में भी जो है इंटरव्यू भी लेने वाला है, जिससे कि आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि भाई ये कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्यों करना चाहिए, और फ्यूचर में जाके 5-10 साल के बाद जो है क्या पोजीशन आपकी रह सकती है, ये भी जो है आपको जानने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर जो है 2020-22 के बीच का जो है डेवलपमेंट स्टडीज़ का जो है
प्लेसमेंट ब्रोशर है आई थिंक। ये तो सभी बच्चों ने यार ऑनलाइन ही जो है पढ़ाई की होगी, मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई समर और विंटर इंटर्नशिप बच्चों ने जो है कहाँ कहाँ पे की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है की है। स्टेटिस्टिक का अगर ये बैच की अगर देखें तो यहाँ पे जो है आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का 30% के आसपास, सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बच्चे हैं, साइंस वाले भी कम है, वर्क एक्सपीरियंस बहुत कम है दोस्तों, और गर्ल्स जो है बॉयज़ के कंपेयर में ज़्यादा है। कौन कौन से स्टेट से जो है आपको ज़्यादा बच्चे मिल रहे हैं, तो गुजरात से तो बहुत ही कम है दोस्तों, एक ही है गुजरात से। तो चलिए अब जो है स्टूडेंट्स की डिटेल्स जो है देखते हैं, क्या क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या पढ़ाई की है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड BSc एग्रीकल्चर है, बेसिकली साइंस बैकग्राउंड, डिजर्टेशन टॉपिक जो है उसको देख लीजिए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कहाँ पे इंटर्नशिप की है, स्किल्स जो है वो क्या क्या चीज यहाँ पे है, और उसके अलावा दोनों का जो है आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों। तो इनका भी जो है आप प्रोफाइल जो है उसको स्टडी कर लीजिए, क्या क्या कहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड है क्या है। फिर इनका भी जो है आप स्टडी कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जो है आप स्किप मत करिएगा। और वैसे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है एक जैसी ही लगेगी, बट आपको अपने हिसाब से सोचना है कि भाई मैं इसमें कहाँ पे फिट बैठता हूँ और मैं किस तरीके से मतलब ये सब नॉलेज को जो है उससे फ़ायदा ले सकता हूँ दोस्तों। ये सब चीज़ें जो है आपको देखनी है, और कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पे कुछ कुछ आपको कॉपी पेस्ट जैसा भी लगेगा, कुछ चीज़ें जो है आपको एक जैसी ही लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास्ट रिक्रूटर जो है कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे भी आपको पता लगेगा कि भाई फ्यूचर में मैं कौन कौन सी कंपनियों में काम कर सकता हूँ। जैसे होता है ना कि भाई इंजीनियरिंग का बच्चा है तो वो ऐसा चाहता है कि भाई हम माइक्रोसॉफ्ट में काम करें, या तो फिर ओरेकल में काम करें, एक्सेंचर में काम करें, TCS में काम करें, इंफोसिस में जाके काम करें। तो यहाँ पे ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है डेवलपमेंट स्टडीज़ की पढ़ाई करने के बाद। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है दोस्तों। यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 के अंदर से ही BA किया है और मास्टर डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर किया है, उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप किया भारत कॉलिंग, तो ये भी एक 30 के स्टूडेंट्स का इनिशिएटिव है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई 2 साल तक जो है ये वाले ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, वॉलेंटियरिंग करी हुई है दोस्तों। पढ़ाई जो है वो इन्होंने BA इन पॉलिटिकल साइंस किया है, फिर यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से जो है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है रिसेंटली, और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़ जो है 30 में से किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे जो है काम किया है, कितनी बड़े बड़े पोजीशन पे काम किया है। यहाँ पे 1 साल काम किया हुआ है, 10 महीने यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे 3 साल काम किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो, ये फेलोशिप प्रोग्राम्स इस तरीके के रहता है, रजिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वाओ, अटल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर 6 महीने काम किया है, और यहाँ पे 6 साल काम किया है UNDP पे। ओ बहुत बढ़िया है दोस्तों। उसके बाद जो है एक और है यहाँ पे स्टूडेंट जिन्होंने जो है यहाँ पे MA BA किया है फिलोसॉफी एंड इकोनॉमिक्स, MA किया है वहाँ से, और उसके बाद फिर से एक MA किया है डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर। यहाँ पे इंटर्नशिप यहाँ पे की हुई है 2 महीने, इसके बाद 1 साल जो है नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया हुआ है, उसके बाद 6 साल जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर काम किया है। तो दोस्तों यहाँ पे उनका पोजिशन आप देख सकते हैं कैसे कैसे बढ़ता हुआ 6 साल के अंदर यहाँ तक पहुँच गया है। उसके बाद जो है इन्होंने स्टीफन कॉलेज दिल्ली से जो है BA इन हिस्ट्री किया है, फिर वहाँ से जो है MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़, और फिर यहाँ पे PhD भी किया है। तो बहुत सारे बच्चे डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर मतलब PhD करते हैं, MPhil करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में भी जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 साल लगे हैं, काफ़ी मेहनत की है, 2010 में ये पास आउट थे, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि भाई पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो है UCL के अंदर, बेसिकली आई थिंक UK के अंदर ये है, 2 साल 3 साल के आसपास से वहाँ पे ही है, बेसिकली एजुकेशन रिसर्च फील्ड में वो चले गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है इन्होंने BA इन साइकोलॉजी किया एलडी श्रीराम,
तो टी इसके अंदर जो है आपको LSR के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सॉरी ऐसे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। फिर मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडीज़ किया हुआ है रिसेंटली, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से जो है बेसिकली आई थिंक UK बेस्ड यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने PG सर्टिफिकेशन किया है, वहाँ पे जाके किया है या इंडिया से ही किया है वो मुझे अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहीं पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सपीरियंस जो इनका कैसा है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर जो है इन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो है काम किया हुआ है 3 साल, 2 साल जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड पॉलिसी ऑफिसर के रूप में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग मुंबई महाराष्ट्र। ओके तो यह मुंबई बेस्ड यूनिवर्सिटी है, मुझे लगा कि UK में है। ओके दोस्तों उसके बाद यहाँ पे एक और स्टूडेंट है जिन्होंने BA किया हुआ है TIS से, MATIS से कर लिया डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर, और फिर MIT जो है US के अंदर वहाँ पे जाके कुछ इवेल्यूटिंग सोशल प्रोग्राम वहाँ पे वहाँ से किया है यहाँ से ही किया है पता नहीं है। नेल्सन इंडिया में 3 साल काम किया हुआ है, रिसर्च एग्जीक्यूटिव 2 साल विप्रो में काम किया है। ओके अफगान परिवार 10 महीने, फिर यहाँ पे जो है सीनियर रिसर्च प्रोग्राम मैनेजर इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में जो है ये बेसिकली UK के अंदर सेटल है, अभी 2 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो है BA इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। ओके उसके बाद यहाँ पे MA कर लिया डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर, उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एग्जीक्यूटिव एजुकेशन में पढ़ाई की है, ISB से जो है मास्टर मतलब MBA कर लिया है, और वो भी जो है स्ट्रेटेजी एंड लीडरशिप एंड पब्लिक पॉलिसी के अंदर से MBA किया हुआ है। और एक्सपीरियंस जो है इन्होंने कहाँ कहाँ से लिया है वो एक थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत बढ़िया होना चाहिए एक्सपीरियंस भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक के अंदर 1 साल काम किया हुआ है, यस फाउंडेशन के अंदर 1 साल काम किया है, स्वदेश फाउंडेशन के अंदर 1.5 साल जितना काम किया है, EY के अंदर 4 साल काम किया है, GLG के अंदर 5 महीने काम किया हुआ है। ओके बढ़िया बात है, ये इन इकोनॉमिक्स MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इन्होंने काम किया हुआ है। BSc इन एग्रीकल्चर MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़। ओके यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर बैचलर किया है, फिर डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर मास्टर कर लिया है, मुझे लग रहा है कि ये रिसेंट ग्रेजुएट ही है तो इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, इंटर्नशिप भी आपको देखने को मिलेगी ज़्यादातर, बट आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लग सकता है। ये भी जो है अभी रिसेंट पास आउट ही है दोस्तों। जो बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं ना वो एक एक महीना दो दो महीना की इंटर्नशिप कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि तो बहुत ही बढ़िया बात है। और वैसे भी मुंबई हैदराबाद जैसे सिटीज़ के अंदर जो है बहुत सारा आपको इंटर्नशिप का काम मिल सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन्हें जो है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और उसने जो है यहाँ पे MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़ सिंटेल के अंदर 2 साल काम करने के बाद जो है यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे BA ऑफ सोशल साइंस रिसेंट ग्रेजुएट है दोस्तों, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बहुत सारे इंटर्नशिप यार कर लिए इन्होंने तो फाड़ के रख दिया है। ये सभी स्टूडेंट्स जितने भी अगर पॉसिबल होंगे उतने स्टूडेंट्स के हम इंटरव्यूज़ भी करने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और जो टीस नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जो है काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो सीरीज़ होने वाली है दोस्तों, तो वो भी ये सब चीज़ों को एक बार शांति से देख सकते हैं, जिससे कि आपके इंटरव्यूज़ जो है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उनके क्या क्या आंसर देना चाहते हैं। तो ये कहाँ पे आप काम करोगे ये कोर्स करने के बाद उसके बेस पे भी जो है आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई अगर ये कोर्स करूँगा मैं तो मैं यहाँ यहाँ काम करूँगा, ये मुझे काम करना होगा, तो मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये कोर्स करने का क्या है वो आप ढूंढ सकते हैं ये सभी चीज़ों को देख के। आप कभी ये मत बताइए कि भाई इसमें प्लेसमेंट ज़्यादा होता है तो भाई इसी रीज़न से मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का तो यही होता है सोर्स ऑफ मोटिवेशन, बट फिर भी जो है आपको क्या बोलते हैं कोर्स स्पेसिफिक भी आपका कुछ मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो इंटरव्यूअर को अच्छा लगे कि भाई हाँ यार इस बंदे को जो है आप एडमिशन दे देते हैं कुछ करके दिखाएगा। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ज़्यादातर अभी जो है रिसेंट पास आउट जो है उसका ही यहाँ पे है, तो उसमें आपको इंटर्नशिप ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी जो है अभी रिसेंट पास आउट ही है दोस्तों, तो ऑलमोस्ट सभी जो है क्या बोलते हैं कि इंटर्नशिप वाले बच्चे ही है।
दोस्तों यहाँ पे जो है इन्होंने बैचलर इन सोशियोलॉजी में मतलब किया था, और उसके बाद जो है एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज़ जो है किया है। एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया है। ओके, एक और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे आ चुके हैं, और डेवलपमेंट स्टडीज़ फिर मास्टर्स में किया है 2 साल। यहाँ पे इन्होंने शारदा कंसल्टेंसी सर्विस में काम किया हुआ है, फिर यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इंटर्नशिप की, और 1 साल से जो है सत्तो कंसल्टिंग के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है करियर पाथ आगे बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे एक आर्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस मीडिया स्टडीज़ में बैचलर, उसके बाद डेवलपमेंट स्टडीज़, और बहुत सारे इंटर्नशिप की हुआ ऐसा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे 1 साल जो है CSA में काम किया है, 1 साल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट काउंसिल होके इंटर्नशिप इंटर्नशिप ये आईटेक के अंदर जो है 1 साल 1.5 साल काम किया है, और अभी जो है बज एंड चैटर स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट है। ये एक आपको पता लगेगा कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो इसको करके, BA इकोनॉमिक्स MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़। यहाँ पे जो है इन्होंने NRMC के अंदर जो है 2 साल जितना जो है काम किया हुआ है। BA इन इंग्लिश, ओके, ये भी काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, मिरंडा आई थिंक वुमेंस कॉलेज है। टिस MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़ इंटर्नशिप की हुई है, 2 साल जो है यहाँ पे इंडिया माइग्रेशन नाउ करके ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे काम किया हुआ है। ओके, उसके पहले यहाँ पे BA इन इंग्लिश ऑनर्स MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़ इंटर्नशिप की है। यहाँ पे इंटर्नशिप आईपैक के अंदर जो है 1.25 साल से है। उसके बाद यहाँ पे लीड एट क्रिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो है टिस में से ही जो है BA किया है, वहाँ से ही MA डेवलपमेंट स्टडीज़ कर लिया है, और अक्षय पात्रा के अंदर जो है 2 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो है इन्होंने और ज़्यादा पढ़ाई कर ली है दोस्तों। ओके, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन भी किए हुए हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ में पढ़ाई की है, PGP कर रहे हैं, PG उसके कुछ डिप्लोमा इन ट्रेनिंग अभी जो है कर रहे हैं इस तरीके का। टाटा स्टील के अंदर जो है काम किया हुआ है 2 साल, और 2 साल के आसपास जो है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड के अंदर जो है काम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे BA इन संस्कृत और बाद में डेवलपमेंट स्टडीज़। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और भी है कि ये सभी कोर्सेज़ जो है उसमें ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ सकते हैं वो जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो या तो इंग्लिश सही से जानते हो उनको ही जो है इजी रहता है, बाकी को तो थोड़ा सा यार दिक्कत तो यहाँ पे आएगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपको लिखना है सब चीज़ें इंग्लिश में ही आती है, तो इंग्लिश जो है आना ज़रूरी है अगर ये सभी कोर्सेज़ आपको करने हैं तो। ये का इसका मुझे लगता है ड्रॉबैक है कुछ हद तक, कुछ हद तक पॉजिटिव भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर यहाँ पे 2 साल जितना काम किया हुआ है। ओके, यहाँ पे साइंस स्टूडेंट है और डेवलपमेंट स्टडीज़ में पढ़ाई की है, कॉमर्स स्टूडेंट डेवलपमेंट स्टडीज़, और बहुत सारी इंटर्नशिप है। ओके, ये 8 साल इसमें वॉलेंटियरिंग किया है। ओके, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी इंटर्न है, 3 साल से इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, पूछना पड़ेगा इनको ही कि आप कर क्या रहे हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस BA के बैचलर के अंदर, डेवलपमेंट स्टडीज़ मास्टर्स के अंदर, और यहाँ पे 1 साल काम किया हुआ है। और ये वॉलेंटियरिंग है, 4 साल जो है इन्होंने सिंडिकेट बैंक के अंदर काम किया है, बैचलर कॉमर्स डेवलपमेंट स्टडीज़। सेवा भारत के अंदर 11 महीने, इसके अंदर 10 महीने, साइंस डेवलपमेंट स्टडीज़ 1 साल, यहाँ पे MS साइंस स्टूडेंट, IIT से साइंस में पढ़ाई की है और बाद में TIS में डेवलपमेंट स्टडीज़, और यहाँ पे IPEC के अंदर 2 साल जितना काम किया है, एक और जो है IPEC के अंदर 6 महीने काम किया है, और BSc केमिस्ट्री बैचलर्स के अंदर गार्गी कॉलेज, ये भी काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। कॉमर्स की पढ़ाई डेवलपमेंट स्टडीज़ बाद में किया है, बहुत सारे इंटर्नशिप यहाँ पे किए हैं, बट अभी जो है ये वाले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है 2 साल से काम कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। कॉमर्स के अंदर किया है, फिर डेवलपमेंट स्टडीज़ किया है, यहाँ पे जो है डेटा एनालिस्ट है 4 साल से 4 महीने से। कि इनका जो है यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर बैचलर है डेवलपमेंट स्टडीज़, उसके बाद 1 साल जो है यहाँ पे किया है, 2 साल जैन इंडिया,
अभी जो है यहाँ पे प्रिसीजन डेवलपमेंट के अंदर 2 साल से है। यहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स किए हैं भाई, BA इन सोशल साइंस, MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़, MSc इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, MSc इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओ माई गॉड, कितनी बार ये एक ही चीज़ को कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको पूछना पड़ेगा कि भाई आप ये चीज़ क्यों बार बार कर रहे हैं, या तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ओके, इनका एक्सपीरियंस देख लेते हैं, बहुत सारी इंटर्नशिप है भाई, तो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं कभी काफ़ी टाइम से, तो फुल टाइम कुछ खास जॉब नहीं किया है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स डेवलपमेंट स्टडीज़, अक्षय पात्रा के अंदर 2 साल से काम कर रहे हैं। सोशियोलॉजी MA डेवलपमेंट स्टडीज़, बहुत सारी इंटर्नशिप है यहाँ पे। यूनिसेफ के अंदर जो है 1.5 साल से काम कर रहे हैं। MA इन हिस्ट्री MA डेवलपमेंट स्टडीज़। ये खेती, इसका क्या मतलब है, खेती को खेती बोलते हैं क्या? 1 साल से ऊपर जो है काम किया हुआ है, और इन्होंने जो है येल यूनिवर्सिटी रिसर्च एसोसिएट, तो मुझे लगता है PhD करने का सोच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने साइंस और इंजीनियरिंग किया हुआ है, बाद में डेवलपमेंट स्टडीज़ में पढ़ाई की है, उसके बाद में बहुत सारे इंटर्नशिप और रिसर्च फेलो है MyDev.in। ये कुछ समथिंग न्यू है। BSW सोशल वर्क MA डेवलपमेंट स्टडीज़ इंटर्नशिप, ये अपडेट नहीं किया इन्होंने सही से। लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है आप सही से अपडेट करें दोस्तों। जियोग्राफी मतलब साइंस स्टूडेंट, डेवलपमेंट स्टडीज़ में पढ़ाए और 1 साल से JM फाइनेंशियल फाउंडेशन में काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस बैचलर मास्टर्स डेवलपमेंट स्टडीज़, और एक्सपीरियंस सही से नहीं डाला है। बैचलर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट स्टडीज़ मास्टर्स, और इन्होंने भी जो है सही से नहीं डाला है एक्सपीरियंस। इन्होंने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, एक्सपीरियंस सही से नहीं डाला है। ओके, और इनका जो है कॉमर्स और मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज़ प्रथम में जो है 1.5 साल से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगा होगा, मतलब कि हम जो है अभी क्या बोलते हैं TSNET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा विजन जो है क्लियर यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। तो इसको जो है आप ज़रूर से मतलब वीडियो सीरीज़ को ज़रूर से जो है देखें, और फ्यूचर में जो है अभी हम ये सभी स्टूडेंट्स जो है इसमें से जो लोगों को इंटरेस्ट होगा उनको हम लाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए, और उनसे भी जानेंगे कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, इस फील्ड में क्या फ्यूचर है, क्या सैलरी है। सैलरी यार आज के समय में सब हर कोई यही पूछता है कितना पैकेज है, कितना पैकेज है, क्योंकि एक साइड IIT IIM वाले जो है करोड़ों रुपये लाखों रुपये का पैकेज लेके जाते हैं, और फिर यहाँ पे बच्चों को लगता है कि भाई ये तो साला हम ये करने के बाद हमारा तो 6 लाख का भी पैकेज नहीं आ रहा है, 7 लाख का भी नहीं आ रहा है, और बहुत ही कम है बेसिकली। तो ये क्या कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है ये सब चीज़ भी देखेंगे दोस्तों। तो अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और कौन कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ।